आज के ट्यूटोरियल में अपन डिस्कस करेंगे कि किसी भी वर्ड फाइल के अंदर आप शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, कैसे शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो, कैसे उसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन कीजिए। ये देखिए आपकी एमएस वर्ड फाइल है, इसमें आप सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको शेप्स मिलेगा, शेप्स ऑप्शन इंसर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये शेप्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे विंडो ओपन होगा, उसके अंदर आपको बहुत सारी मल्टीपल आपको स्पेस यहाँ पे मिलेंगे, शेप्स मिलेंगे। अब आपको जो शेप्स आपको ड्रॉ करना है उस शेप्स को आप सेलेक्ट कीजिए, उसको ड्रॉ करना है। देखिए कैसे, सपोज मैंने सबसे पहले इस वाले रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको मैंने इंसर्ट किया। अब इसमें देखिए दोस्तों, आप इस शेप्स को यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे आप शेप्स को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए जिस पे भी शेप्स पे आप क्लिक करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग उस शेप्स को दे दीजिए। और मैंने ये वाला शेप यहाँ पे क्लिक किया। अब आप जैसे इसमें कुछ लिखोगे, देखिए टाइप कीजिए कुछ लिखा नहीं जा रहा, तो आप इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करोगे, इसमें नीचे एक क्लिक ऑप्शन आएगा ऐड टेक्स्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए कर्सर आ गया, अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखा माई डेमो, हो गया। अब इसके बाद आपको इसमें आगे वो शेप्स इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे जाइए, वापस आपको शेप्स पे क्लिक करना है। अब आपको सपोज यहाँ पे कुछ एरो ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से ये वाला एरो सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए शेप्स आपका ड्रॉ हो गया। अब आपको सपोज यहाँ इसके सामने एक और शेप्स इंसर्ट करना है, आप शेप्स पे जाएंगे, यहाँ आपको सपोज आपने ये वाला शेप इंसर्ट किया, शेप लिखा, आप इस राइट क्लिक कर दिए, यहाँ ऐड टेक्स्ट कीजिए। ये देखिए अब देखो इसके अंदर आपने लिखा, सपोज में लिखा वेबसाइट, अगर ये टेक्स्ट छोटा बड़ा होगा तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग शेप्स को छोटा बड़ा आप कर सकते हो। वापस अगर आपको इसको फॉर्मेट करना हो शेप्स को, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, उससे शेप्स आपके फॉर्मेट हो जाएंगे। ये देखिए ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप अपना कोई भी शेप्स अपने अकॉर्डिंग आप वर्ड फाइल के अंदर अपना कोई भी शेप्स आप इंसर्ट कर सकते हो।